अभी हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र है क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का। टाइम है 1 घंटा और फुल मार्क्स है 40। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं? Which of the following is or are used as food supplement by space travelers? तो इसका सही उत्तर होगा स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, है ना। तो स्पिरुलिना और क्लोरेला जो है वो एल्गे है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, माइक्रोराइजा निम्न में से किसके बीच का संबंध को दर्शाता है? माइक्रोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना है, माइक्रोराइजा वो एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का, है ना। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोराइजा। तो इसका सही आंसर जो होता है, फंजाई और पाइनस जो प्लांट है इसके रूट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो पाया जाता है, वो कहलाता है माइक्रोराइजा। इसका सही उत्तर होता है कवक और पाइनस, जो पाइन ट्री आता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? द लार्जेस्ट एनिमल फाइला आर, तो एज होना चाहिए था। तो सबसे बड़ा जो फाइलम है वो होता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा सब। और सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाता तो उसका सही आंसर मॉलस्क होता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपाई की विशिष्ट पहचान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैमल? स्तन ग्रंथि, बाह्यकर्ण, शरीर पर बाल, उपरोक्त सभी। मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर, पिना, बॉडी हेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि मैमल्स में ये सारे चीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू न्यूमेटोफोर्स? तो न्यू मतलब ही हो गया निमोनिया, ऐसे सुनते हैं आप जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज आ जाता है। तो न्यूमेटोफोर जो है वो उसके हेल्प से दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर ये बी सही होता है ना, ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है प्लांट्स के लिए, तो न्यूमेटोफोर्स उससे रिलेटेड होता है। अगला, वेनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? द टर्म वेनेशन, तो वेनेशन जो होता है कोई भी लीफ है, तो लीफ का जो वेन होता है ना, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ अ लीफ, ये सही आंसर होगा। इसके लिए वेनेशन यूज किया जाता है। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं का विन्यास यानी कि अरेंजमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है वेनेशन वर्ड का। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, सही मिलाया हुआ है? तो द्विलिंगी पुष्प वैसा फूल जिसमें पुंकेसर और अंडक में से कौन कोई एक ही जननांग हो, तो ये तो गलत बोल रहा है। द्विलिंगी मतलब तो दोनों होना चाहिए, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। एक लिंगी पुष्प वैसा पुष्प जिसमें दोनों उपस्थित होते हैं पुंकेसर और अंडक, ये भी गलत बोल रहे हैं। जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है, ये सही बात बोल रहे हैं। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, तो ये करेक्ट है, है ना। आर आर से भी याद रखिएगा, रेडिकल रूट। अगला क्वेश्चन है, रंध्र मदद करते हैं, स्टोमेटा हेल्प्स इन। तो रंध्र मदद करते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज मोर द अबव, तो इसका सही आंसर सी होता, बोथ ऑफ द अबव, है ना, बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है? द वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉम्पोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है, संवहनी तंत्र या फिर वैस्कुलर सिस्टम का, जाइलम एंड फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक मांसपेशी कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है? तो कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो कार्डियक बोल दिया, तो कार्डियक मतलब
वर्ड से ही पता चल रहा है ये हार्ट से रिलेटेड है। किससे? हार्ट। तो इसका सही आंसर सी होता, हार्ट। हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट को भी हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूड मोजैक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? फ्लूड मोजैक मॉडल प्रपोज बाई सिंगर एंड निकोलसन इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका सही आंसर आ जाता कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन कहता है, सही सुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो देखिए यहाँ पर याद रखना है, प्लास्टिड, प्लास्टिड में कुछ मटेरियल स्टोर होता है ना, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर, कार्बोहाइड्रेट एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर होता था। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन में मिलता था, प्रोटीन स्टोर करता था। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट्स को स्टोर करता था, ऑयल और फैट्स इलायोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर होते थे। इलायोप्लास्ट में पेप्टाइड बंध निम्न में से किस में मिलता है? तो पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, याद रखना है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जो चेन होता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी के कारण एमिनो एसिड का जो चेन होता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। तो किसके बीच पाया जाता है? किस में मिलता है? प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट कहता है रूबिस्को इस संपूर्ण जीवमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह तो सही बात बोल रहे हैं। डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही बात बोल रहे हैं। कोलेजन जो है वो जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह भी सही बोल रहे हैं। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका सही आंसर हो जाता डी, उपरोक्त सभी, सब सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, काइजमेटा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में से किस चरण में होता है? काइजमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस? तो याद रखना है मियोसिस का जो प्रोफेज था वही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज था, है ना, और एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम मान ली इस तरीके का। तो यहाँ जो एक्स जैसा जो फॉर्मेशन होता है ना इसी को हम लोग काइजमेटा कहते थे। तो ये होता है आपका कौन से स्टेप में, कौन से स्टेज में? तो इसका सही आंसर होता है डिप्लोटिन। क्या होता? डिप्लोटिन। और ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजातीय गुणसूत्र। याद रखना है, यहाँ से और भी क्वेश्चन बना सकता है कि जायगोटिन, जायगोटिन स्टेज में क्या होता था? तो जायगोटिन स्टेज में होता था सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था। किसका? सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना, स्नेप्सिस भी होता था। पैकेटिन में होता था क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था जायगोटिन में, पैकेटिन में होता था क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर क्रोमेटिड्स चढ़ जाते थे। और डायकनेसिस में काइजमेटा का अंत हो जाता था, एंड हो जाता था, मतलब ये अलग हो जाता था फिर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सजातीय गुणसूत्र से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? जैसे अभी हम लोग बना रहे थे होमोलोगस क्रोमोसोम, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्स्ड, स्नैप्स्ड मतलब जो नजदीक आया हुआ था, है ना, क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। तो ये क्रोमोसोम हो गया, और एक क्रोमोसोम ले लेते हैं मान लिया ये, है ना, तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए क्रोमेटिड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही नहीं टाइप का क्रोमेटिड है ये दोनों, तो ये सब सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड के हिसाब से देखा जाए तो कितना आ गया? चार। तो इसको टेट्राड भी कहा जा सकता है। और क्रोमोसोम के हिसाब से देखा जाए तो दो क्रोमोसोम है जिनको हम लोग बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो सही होता वो होता उपरोक्त सभी, ये दोनों कहा जा सकता है ना, बाइवेलेंट भी टेट्राड भी, यानी कि सी आंसर इसका सही होता। कौन सा? सी, ऑल ऑफ द अबव, इन दोनों को कहा जा सकता है, बाइवेलेंट भी टेट्राड भी। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस? यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है, सही बात बोल रहे हैं। इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, सही बात बोल रहे हैं।
म्योसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ये भी सही बोल रहा है। तो इसका सही आंसर होता है डी, उपरोक्त सभी, है ना। म्योसिस में तीनों काम होता है, गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं हम लोग, और म्योसिस के कारण क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो रिड्यूस करके हाफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, तो याद रखना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता था आपका फोटोसिस्टम टू में, किसमें? फोटोसिस्टम टू में, तो पीएच टू इसका सही आंसर होगा, पीएच टू। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर देखिए यह भी सही है, सी3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है कैल्विन चक्र को, हैच स्लैक चक्र को सी4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन पूछा कौन सा सही नहीं, क्रांज शरीर की क्रांज एनाटोमी जो है सी4 पौधों की विशिष्टता है, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ये, क्योंकि सी4 पौधों में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, ये कह रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि सी4 पौधों में प्राथमिक ग्राही जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है पैप, है ना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो हम लोग को मालूम है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता था, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तो किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बंद करके इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है रक्त में, तो ये फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर के बाहर छोड़ा गया हो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज, तो उसको कहते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, और इसका वैल्यू जो होता है टीवी करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते थे, और उसका वैल्यू होता है, याद रख लीजिएगा, 500 ml, क्या होता है? 500 ml। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सबको भी ध्यान देना है परीक्षा में, है ना, कौन सा सही है पूछ रहा है, कभी कभी कौन सा सही नहीं है ऐसे भी पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं है? यह उभयतल आकृति का होता है, यह तो सही बात बोल रहा है, इसकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है, यह भी सही बात बोल रहा है, प्लीहा को लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है, यह भी सही बात बोल रहा है, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है, यह गलत बात बोल रहा है, क्योंकि लाल रक्त कण को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, है ना, ल्यूकोसाइट्स तो WBC को कहा जाता था, व्हाइट ब्लड सेल्स को, तो यह गलत बोल रहा था, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस निम्न में से किससे संबंधित है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस में क्या होती थी? गर्भवती माता RH नेगेटिव होती थी, है ना, RH नेगेटिव, और जो फीटस होता था यानी कि जो भ्रूण होता था वो RH पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर फीटस की जगह फादर कर दिया, मुझे तो लगता है कि टाइपिंग में ही कुछ गलती कर दिया, लेकिन जो भी है, तो इसका सही आंसर होता है ये ए, RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, जबकि RH पॉजिटिव फीटस होना चाहिए था, तो फीटस की जगह फादर कर दिया, फिर भी चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाए जाते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व्स आर इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन, तो जैसा ही हृदय का बात होता है हार्ट का, तो एक बॉक्स बना लीजिए, यह होता था राइट साइड और यह होता था लेफ्ट साइड, है ना, तो राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता था 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड में होता था बाइकस्पिड वॉल्व, ऊपर होता था ऑरिकल्स, नीचे होता था वेंट्रिकल्स, तो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसका सही आंसर यह होता है बाया आलिंद और बाया निलय के बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है वैसोप्रेसिन को जाना जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फॉर्म के नाम से भी, किससे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि वैसोप्रेसिन क्या करता था, जब बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस होता था
तो उसको कम करने के लिए डिस्टल पार्ट में फिर से इसका रीऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता था, वाटर रीऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता था। तो वैसे प्रोसिन होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन, पीसीटी जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समीपस्थ समालित नलिका, से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पीसीटी यह ब्रशनुमा संरचना युक्त सरल क्यूबॉइड कोशिकाओं से स्त्रित होती है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही सबको ध्यान देना है। तो ये तो सही बात बोल रहे हैं, यह पुनरावशोषण तथा श्रवण का मुख्य भाग होता है, यह भी सही बात बोल रहे हैं। इसमें पोडोसाइट पाए जाते हैं, यह गलत बात बोल रहे हैं, है ना, पोडोसाइट इसमें नहीं पाया जाता था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सी। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई का संबंध निम्न में से किससे? ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज रिलेटेड टू, तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई याद रखना है किससे रिलेटेड है, ईयर से। नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो नेत्र की सबसे भीतरी परत रेटिना कहलाती है, क्या कहलाती है, रेटिना। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित रहता है? द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, जो बुखार आ जाता है कभी कभी, कभी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो वो सेंटर कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है हाइपोथैलेमस में, कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्राव न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा होता है? तो कौन से हार्मोन का स्राव न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किससे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना है एड्रेनालिन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एड्रेनालिन। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है ना, एड्रेनालिन। इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका द्वारा होता है? तो याद रखना है इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, किसे, पैनक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, और अल्फा सेल से होता है ग्लूकागोन का स्राव, ग्लूकागोन का रिलीज होता है अल्फा सेल से, लेकिन यहां पर पूछा है इंसुलिन, तो इसके लिए सही आंसर होता बीटा सेल्स, बीटा कोशिका। निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, जिसका सही आंसर हो जाता उपरोक्त सभी, दोनों ही होगा। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स उपस्थित रहती हैं, लीडिंग सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, तो याद रखना है लीडिंग सेल्स टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टेस्टिस, वृषण में, और इनका काम होता है लीडिंग सेल्स का कि ये एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, मेल जो हार्मोन है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये लीडिंग सेल्स से ही रिलीज होती है, याद रखना। निम्न में से कौन एंड्रोजन का एक उदाहरण है? तो एंड्रोजन का उदाहरण जो मेल का जो हार्मोन है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, तो ये, और कहां से रिलीज होती है, लीडिंग सेल से। फलों को पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो फलों को पकने में मदद करता है इथिलिन, कौन सा सही हो जाएगा, इथिलिन, इथिलिन। पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसका सही आंसर है सेनेसेंस, क्या हो जाएगा, सेनेसेंस। शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा औसतन कितनी होती है? तो याद रखना है हम लोग पर डे कितना यूरिन को रिलीज करते हैं, तो वो करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में चार कोष्ठकीय हृदय पाए जाते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है मानव में भी होता है, हम लोग में भी, पक्षी में भी होता है, मगरमच्छ में भी होता है, मगरमच्छ एक रेप्टाइल है फिर भी ये एक्सेप्शन है, जबकि रेप्टाइल में कितना होता था, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी में, ये तीनों में, ये तीनों में फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लब और डब की आवाज़ का निर्माण होता है जब, तो जब वॉल्व्स क्लोज होते हैं, है ना, जब कपाट, हम लोग पढ़े थे बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ये सब जो है वो क्लोज होते हैं, तो लब और डब ये सब साउंड आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने मॉडल सेट का
सॉल्यूशन क्या होता उसे हमने जाना है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियो हम लोग आगे भी लेकर के आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को थैंक यू।